हाय फ्रेंड्स, डेलिकेसीज ऑन द प्लेट में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी केसरी फिरनी। बहुत ही टेस्टी बनता है और इसके रंग से ये बहुत अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग दिखता है, तो चलिए इसे बनाते हैं। केसरी फिरनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक बोल चावल, जिसे भिगो कर रखा था 3 से 4 घंटे के लिए, उसे दरदरा पीस लूंगी। दरदरा पीसने के बाद आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी एकदम इस तरह से है। अब इसको मैं गरम दूध में डालूंगी पकने के लिए। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 लीटर फुल फैट मिल्क लिया है, जिसे उबलने के लिए रख दिया है, और इसमें थोड़ा सा मैं डाल दूंगी आधा बोल पानी। दूध थोड़ा गर्म होने के बाद इसमें मैं पिसा हुआ चावल डालूंगी। वैसे आप चाहें तो दूध और चावल को एक साथ पका सकते हैं, लेकिन दूध थोड़ा गर्म हो जाए तो उससे वे कंडेंस हो जाते हैं और उसका अच्छा टेस्ट आता है। कंडेंस्ड दूध का फ्लेवर जो है खीर में बहुत अच्छा आता है। चावल और दूध को अच्छे से मिक्स कर लेना है और तब तक पकाना है जब तक ये एकदम गाढ़ा और क्रीमी ना हो जाए। नॉर्मल खीर बनाने की रेसिपी से ये काफी आसान है, काफी जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे पहले से बनाकर फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं और ठंडा ठंडा सर्व करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि केसरी फिरनी काफी हद तक गाढ़ी हो गई है। इसे तेजी से इस तरह से चलाते रहें ताकि इसकी गुठलियां ना बने और चावल अच्छे से पक जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकदम स्मूथ टेक्सचर मिला है और काफी क्रीमी हो गया है ये। करीब 15 से 20 मिनट के वक्त में केसरी फिरनी बनकर तैयार हो जाती है। अब यहाँ पर मैंने इसमें चीनी डाल दिया है करीब 100 ग्राम और उसे अच्छे से मिला लें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीनी भी घुल गई है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें 1/4 चम्मच केसर डालकर अच्छे से मिक्स कर लूंगी, तो इसका फ्लेवर पूरा फिरनी में आ जाएगा। और 1/2 छोटा चम्मच इलायची का पाउडर। इसका रंग थोड़ा गाढ़ा करने के लिए इसमें मैं डाल दूंगी 4 से 5 बूंदे केसर का रंग और इससे अच्छे से मिला लें, तो इससे इस फिरनी का रंग थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा और ज्यादा सुंदर दिखेगा और ज्यादा टेम्पटिंग बन जाएगा। तो हमारी केसरी फिरनी यहाँ पर बनकर तैयार है। इसे मैं बोल में डालकर सेट होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, और फिर सर्व करते समय ऊपर से बारीक कटे हुए बादाम और पिस्ता से सजाकर इसे सर्व करें ठंडा ठंडा। आप चाहें तो इसे इस तरह के मिट्टी के बोल में भी सर्व कर सकते हैं, जिससे कि ये ज़्यादा और ऑथेंटिक दिखेगा। अगर नहीं है मिट्टी के बोल तो इस तरह के बोल्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता और बादाम से सजा लिया है। हमारा केसरी फिरनी यहाँ पर बनकर तैयार है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिए और सब्सक्राइब करिए इस तरह की और भी बहुत सारी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। बेल बटन दबाना न भूलें ताकि आपको आगे आने वाले सारे वीडियोज़ का अपडेट मिलता रहेगा।